वेलकम अगेन फ्रेंड्स इन योर चैनल ऋतिक शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस और टुडेज लेक्चर ऑन बायोलॉजी विच इज़ ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम। तो आज का जो टॉपिक हमारा ल्यूकोसाइट है यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। देखो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम एक तो वाइट ब्लड सेल का डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आएंगी, उससे बाहर नहीं आता कुछ भी। तो फालतू काम नहीं पढ़ेंगे और कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें यार उसे, ठीक है। तो देखो जी, सबसे पहली बात, आपको पता है वाइट ब्लड सेल्स टू टाइप्स की होती हैं, एक ग्रैन्यूलोसाइट एक एग्रैन्यूलोसाइट। बताऊंगा, लिख रखा है मैंने, दिखाऊंगा अभी, लेकिन अभी समझो। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर्स याद रखनी है इनकी, स्ट्रक्चर अगर याद हो गई तो सब हो जाएगा आराम से। देखो फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल, उसकी स्ट्रक्चर मैंने लिख रखी है यहाँ पे मल्टीलोब, ठीक है। फिर एक होता है इयासोनोफिल, ये हो गया बाईलोब, क्योंकि उसमें दो लोब है बाईलोब, उसमें दो से ज़्यादा लोब थे इसलिए वो मल्टीलोब था। बेसोफिल पार्शियल बाईलोब, पार्शियल बाईलोब का मतलब भाई यहाँ पे तो आपको क्लियरली बाईलोब दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, सो इट इज़ पार्शियल बाईलोब्ड। देन लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट स्फेरिकल होते हैं। एक होता है मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट किडनी शेप्ड होते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ आप मुझको, क्या स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में नहीं बैठ रहा कि ग्रैन्यूल्स किन में प्रजेंट है? स्टार्टिंग की स्ट्रक्चर देखो, न्यूट्रोफिल यासोनोफिल बेसोफिल, इनमें डॉट डॉट प्रजेंट है, ये क्या है ग्रैन्यूल्स हैं। इसका मतलब है तीन क्या हो गई ग्रैन्यूलोसाइट और दो क्या हो गई एग्रैन्यूलोसाइट। ये देखो मैंने दिखा रखा है यहाँ, ये ग्रैन्यूलोसाइट है ये एग्रैन्यूलोसाइट है, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगे प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइएगा, आपका कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, और चैनल यार बिल्कुल सब्सक्राइब करना बनता है आपका, ठीक है, तो सब्सक्राइब करें आप। अब चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में, ठीक है। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं, एक ही चार्ट पे मैंने भी दिखा दिया आपको, पूरा स्क्रीन दिखा दूंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा। अब फर्स्ट देखते हैं न्यूट्रोफिल का फंक्शन। देखो न्यूट्रोफिल का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस का, किसका होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब समझते हैं, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है भक्षण करना। अब भक्षण करने का मतलब होता है किसी चीज़ को खा के ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो चलो देखते हैं, तो जी फर्स्ट है फैगोसाइटोसिस, बता दिया मैंने न्यूट्रोफिल का फंक्शन। दूसरा इओसोनोफिल, देखो इओसोनोफिल कभी किसी व्यक्ति को देखना जिसकी रिपोर्ट आई हो एलर्जी की, कोई भी एलर्जी हो उसको, उसकी रिपोर्ट देखना, अगर उसको कोई एलर्जी है तो उसमें इओसोनोफिल का नंबर आपको हायर साइड दिखेगा, और उसे आप भी देख के बता सकते हो कि भाई इसको क्यों कोई एलर्जी है। तो एलर्जी के टाइम इनका नंबर बढ़ जाता है कुल मिला के, यानी कि एलर्जी से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाने में मदद करती हैं। तो ये हो गया एट द टाइम ऑफ एलर्जी इनका नंबर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। थर्ड देखते हैं बेसोफिल, देखो बेसोफिल का थोड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, इससे कुछ सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं हिस्टामिन, ये देखो हिस्टामिन हिपेरिन सीरेटोनिन। सीरेटोनिन एक हार्मोन भी है, और मैंने नर्वस सिस्टम में बताया था कि ये न्यूरोसिक्रेटरी सब्सटेंस भी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हिस्टामिन हिपेरिन सीरेटोनिन। हिस्टामिन देखो एंटी एलर्जिक होता है, जब एलर्जी बढ़ेगी तो हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा एलर्जी को रोकने के लिए। हिपेरिन का काम होता है एंटी कोगुलेंट का, यानी कि अगर ब्लड क्लोटिंग ज़्यादा हो तो उसे रोकने के लिए एंटी कोगुलेंट के रूप में हिपेरिन दिया जाता है, ठीक है। और सेरोटोनिन, इसका फंक्शन आप नर्वस सिस्टम वाले वीडियो देखें, उनमें डिटेल में बता रखा है, और इट इज़ ए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर आईएए। आईएए होता है इंडोल एसिटिक एसिड, प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, उसको भी बनाता है ये, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखते हैं, लिम्फोसाइट स्फेरिकल है, इसे दो तरह के होते हैं लिम्फोसाइट, एक बीटा सेल एक टी लिम्फोसाइट। देखो बीटा लिम्फोसाइट जो होती है ना, मेन काम यही, आपने सुना होगा एंटीबॉडी एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी यही बनाती हैं। इनके भी टाइप होते हैं लेकिन वो बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ समझ लो बेसिक के लिए कि ये क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाएंगी। टी सेल्स तीन टाइप की होती हैं, टी एच, टी सी और टी एस। टी एच यानी हेल्पर टी सेल, टी सी यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल और टी एस यानी सस्पेंसर। देखो हेल्पर टी सेल्स होती हैं वो एक तरीके से हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए जवानों की तरह होती हैं, जो कि राउंड मारती रहती हैं लगातार कि कोई भी अगर अंदर आने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत सूचना दे देंगी। वैसे ही टी एच सेल भी होती हैं, ये हमारे ब्लड के थ्रू राउंड लगाती रहती हैं, और जैसे कोई भी एंटीजन, एंटीजन का मतलब पिछले वीडियो में बता चुका, यानी कोई भी वायरस वगैरह कुछ भी बैक्टीरिया अंदर आएगा तो तुरंत सूचित कर देंगी ये टी सी सेल को। टी सी सेल सिक्रेट करती हैं परफोरिन, ये कैसा केमिकल होता है जो सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर कोई सेल से इन्फेक्टेड हो गई है तो टी सी सेल काम करती हैं और उसमें परफोरिन वो सिक्रेट करती हैं, उस सेल में पोर्स हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, वो सेल डेड कर जाती है। बेसिकली ये सेल तब काम करती है जब किसी में कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो उस कैंसर सेल को नष्ट कर देती हैं। और टी एस सेल होती है इनकी बॉस होती है, ये इन दोनों पर नज़र रखती है कि कहीं अपना काम ठीक तरीके से तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टी सी सेल अपनी ही सेल्स को डेड कर रही है, यानी अपना ही राज चला रखा है इन्होंने, तो कंट्रोल की सिचुएशन में ये काम आता है, ठीक है। देन देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जो होती हैं इनको किडनी शेप होती हैं, इनको बोलते हैं मैक्रोफेज। सबसे पहले अगर एंटीजन आके टकराता है ना तो इन्हीं से लड़ाई होती है भाई सबसे पहले, ठीक है। और इनका भी काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस का, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड जो हैं। दिस इज़ टू डेज लेक्चर फ्रॉम प्रतीक शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। तो अब कुछ एमसीक्यू जो इन पे बनते हैं वो देखते हैं। आप इससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा। ठीक है फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो एक बेसिक चीज़ और बता देता हूँ, आगे पढ़ना ही है हमको। देखो ये होता है एंटीबॉडी, यानी आपका एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि एंटीबॉडी किस शेप का होता है, तो वाई शेप्ड होते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर की दो आर्म्स होती हैं, ये इन पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, यानी कि यहाँ से एंटीजन से जुड़ती हैं, ठीक है। और नीचे होता है एफसी रीजन, ये एफसी रीजन के थ्रू मैक्रोफेजिस से जुड़ती हैं। ये कोई नहीं बताएगा आपको एनसीईआरटी के अंदर, बिल्कुल भी घचपच करके लिखा पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ से देखो, ठीक है, समझ में आ गई बात। होता क्या है कि कभी भी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एंटीजन को नहीं मारती हैं, एंटीबॉडी तो जाके चिपक जाती हैं। अब उनके चिपकने से होता क्या है कि उस एंटीजन को ट्रेस कर लेती हैं। भाई अगर कोई क्रिमिनल हमारे यहाँ आ गया, किसी मोहल्ले में आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि उस मोहल्ले के ऊपर तोप दाग के और उसको जो है ख़त्म कर दो आप। उसके लिए हमें उसको मतलब ट्रेस करना पड़ेगा कौन है वो बंदा। तो ये सब ट्रेसर होते हैं, जैसे उसको पकड़ लेंगे, हाँ भाई, फिर ये आते हैं भाई साहब मैक्रोफेज और ख़त्म कर देते हैं उसको। तो ऐसे काम होता है। अब आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, बेसिकली कई बार आ चुका है, कि इनका नंबरिंग का ऑर्डर क्या होता है, यानी किस नंबर में प्रेजेंट होती हैं। तो मैं बता देता हूँ, देखो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है जी लिम्फोसाइट, फिर होती है जी मोनोसाइट, फिर होती है जी ईओसिनोफिल,
ठीक है, फिर होती है बेसोफिल। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट अबेंडेंट ल्यूकोसाइट इज, अबेंडेंट मतलब सर्वाधिक मात्रा में, तो न्यूट्रोफिल, और लीस्ट पूछ ले जाए तो बेसोफिल, यानी कि जो सबसे कम में प्रेजेंट हो, सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, बेसोफिल होती हो। ठीक है, तो इनका ऑर्डर है आप नोट डाउन कर लो, इनका संख्या वगैरह ध्यान मत रखना, इतना कोई नहीं पूछता, सिर्फ ऑर्डर पूछता है। अब एक और डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है, पता है? तो ठीक है चलो मैं बता देता हूँ, मोनोसाइट। ठीक है, लार्जेस्ट है इन सभी में से, सबसे ज़्यादा नंबर में ये है, सबसे कम नंबर में बेसोफिल है। ठीक है, सो दिस इज टू डेज लेक्चर फ्रॉम ऋतिक शर्मा केमिस्ट्री क्लासेज। इफ़ यू लाइक देन प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, और मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टेक केयर, बाय।